गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे नामी अपराधी को दादरी थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधी शातिर तरीके से अपने गैंग के अनुसूचित जाति के लोगों को डराने धमकाने का करता है काम। डरा धमका कर सस्ते दामों पर जमीन खरीदने का है आरोप। आरोपी ने अपने गैंग के साथ मिलकर गरीबों को डराया धमकाया था। कीमती जमीनों पर अपराधी ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया था कब्जा। अवैध तरीके से बेचकर किया था धन अर्जित। बेलू नाम का यह अपराधी हो गया था फरार। आरवी नॉर्थ लैंड तिराहे के पास से अभियुक्त को दादरी थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना दादरी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। दादरी पुलिस की टीम के द्वारा बैलू पुत्र रामस्वरूप निवासी बराला थाना रमाला जनपद बागपत को ये आरवी नॉर्थ लैंड तिराहे के पास से दादरी में गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। यहाँ ये बताना उचित होगा कि ये अभियुक्त यशपाल तोमर गैंग का सक्रिय सदस्य है, जो कि चिटहरा में अनुसूचित जात जनजाति के व्यक्तियों की जो पट्टे के लिए आवंटित भूमि थी उनको डरा धमका करके मुकदमे में फंसाने का डर दिखा करके उनकी ज़मीनों को सस्ते में खरीद करके हड़प लेते थे और इनको महंगी कीमतों पर बेच करके अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करते थे। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार जेल रवाना किया जा रहा है और इसमें जो अन्य शेष हैं अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार प्रयासरत हैं।